साथियों, गुरु नानक देव जी ने अपने संवादों में कहा है, गुरु प्रसादी तनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। हमारे सिख गुरुओं ने भारतीय समाज को हमेशा इसी प्रकाश से भरने का काम किया है। आप कल्पना करिए, जब हमारे देश में गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था, तमाम विडंबनाओं और रूढ़ियों में जूझते समाज की उस समय स्थिति क्या थी? बाहरी हमले और अत्याचार उस समय भारत का मनोबल तोड़ रहे थे। जो भारत विश्व का भौतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था, वो स्वयं संकट में था। जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता? गुरु नानक देव जी और उनके बाद हमारे अलग अलग गुरुओं ने भारत की चेतना को तो प्रज्वलित रखा ही, भारत को भी सुरक्षित रखने का मार्ग बनाया। आप देखिए, जब देश जात पात और मत मतांतर के नाम पर कमजोर पड़ रहा था, तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, जानहू ज्योति न पूछू जाती, आगे जात न है। अर्थात सभी में भगवान के प्रकाश को देखें, उसे पहचाने, किसी की जाति न पूछिए, क्योंकि जाति से किसी की पहचान नहीं होती, न जीवन के बाद की यात्रा में किसी की कोई जाति होती है। इसी तरह गुरु अर्जुन देव जी ने पूरे देश के संतों के सद्विचारों को पिरोया और पूरे देश को भी एकता के सूत्र में जोड़ दिया। गुरु हरकिशन जी ने आस्था को भारत की पहचान के साथ जोड़ा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब में उन्होंने दुखी लोगों का रोग निवारण कर मानवता का जो रास्ता दिखाया था, वो आज भी हर सिख और हर भारत के वासी के लिए प्रेरणा है। कोरोना के कठिन समय में हमारे गुरुद्वारों ने जिस तरह सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वो गुरु साहब की कृपा और उनके आदर्शों का ही प्रतीक है। यानी एक तरह से हर गुरु ने अपने अपने समय में देश को जैसी जरूरत थी वैसा नेतृत्व दिया, हमारी पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन किया।